गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों की लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क में था, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब और आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, वी इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसमें अपन को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट ए माइनस बी एंड फोर्थ करेंगे अपन इसका ए माइनस बी इन ब्रैकेट बी माइनस सी एंड फिफ्थ ए माइनस बी इन ब्रैकेट माइनस सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन को है ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ए माइनस बी अपन को फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू मैंने पुट अप कर दी यहाँ पर, कितना है ए की वैल्यू 1, 2, 3, नेगेटिव का नेगेटिव, और बी की भी वैल्यू पुट अप कर दी 2, 3, 4। कल मैंने बताया था इसमें क्या करती हैं, दोनों में जो कॉमन रहते हैं उसको अपन हटा देते हैं, 2 से 2 कैंसिल नहीं किया जाता, लीव कर दिया करें, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो अपन को फर्स्ट सेट में देखा है कौन सा एलिमेंट बचा, क्या बचा 1, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी 1, ओनली 1 एलिमेंट इन सेट, तो a माइनस बी का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, ठीक है। क्या दिया हुआ है a डिफरेंस v माइनस सी डिफरेंस, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी क्वेश्चन कराए थे, मैंने बताया था अगर मोर देन टू सेट दिए रहे कभी भी, तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बी माइनस सी, ठीक है। तो बी के बी सेट कितना दिया हुआ 2, 3, 4 माइनस, सी सेट कितना दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो सेम एलिमेंट क्या क्या है, एक तो 3, ठीक है, और एक 4, ठीक है, और कोई है क्या सेम, नहीं है। तो यहाँ से क्या बचा ओनली 2, ठीक है। अभी फाइनल आंसर अपना नहीं आया है, क्यों नहीं आया, अपन को क्या फाइंड करना है a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस c, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर a माइनस b माइनस c, ठीक है। यहाँ से अपना फाइनल आंसर आएगा, सेट ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1, 2, 3 माइनस, और बी माइनस सी की मैंने क्या फाइंड की 2, तो बी माइनस सी के प्लेस पर 2, ठीक है। अब सेम एलिमेंट को अपन कट कर देंगे, मतलब कट नहीं किया जाता है, सो समझाने के लिए मैं कट कर रहा हूँ, आप लीव कर दिया करें बस। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और 3, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आया a माइनस बी माइनस सी, तो ये अपना क्या हो गया फोर्थ का फाइनल आंसर 1 एंड 3, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। ये सभी ने नोट कर लिया, ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसको। ये दिया हुआ है अपन को, क्या दिया हुआ है a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ठीक है। सबसे पहले अपन ब्रैकेट फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन ए माइनस बी, ठीक है। सेट ए की वैल्यू 1, 2, 3 नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ सेट बी इज, ठीक है, देन सेम एलिमेंट, ठीक है, तो 1, तो ए माइनस बी कितना आया 1, ठीक है। अब फाइनल आंसर चाहिए अपन को, फाइनल आंसर के लिए क्या नोट करेंगे a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी अवेलेबल है अपने पास, और सेट c में क्या क्या एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, तो देखें इसमें कोई कॉमन है नहीं होगा, कोई भी कैंसिल नहीं होगा, मतलब कोई भी हटेगा नहीं, पूरा एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में वही आ जाएगा, बन है ओनली, तो बन ही आ गया, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर आ चुका है, ठीक है, ये सभी को समझ आ गया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर, ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर है, बुक सबके पास अवेलेबल होगी, तो सभी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है इफ
क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और सेट बी है 2, 4, 6, ठीक है, एंड सेट सी इज 1, 3, 5, ठीक है। फाइंड क्या करना है अपन को, ए माइनस सी, ए और सी का डिफरेंस, इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो अपन को क्या फाइंड करना है, ए माइनस सी इंटरसेक्शन ए माइनस बी। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, ए माइनस सी, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ सेट इज 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। बीच में क्या का साइन आएगा, माइनस का, और सेट सी की वैल्यू 1, 3, 5, ठीक है। सेम एलिमेंट अपन हटा देंगे फर्स्ट सेट से, ठीक है। तो फर्स्ट सेट में क्या है, सेकंड सेट से अपन को मतलब नहीं रहता, 2, 4 और 6, ठीक है। तो a माइनस सी की वैल्यू क्या है अपनी, ये इसको ब्रैकेट में, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, द वैल्यू ऑफ सेट इज, ठीक है, माइनस द वैल्यू ऑफ सेट b इज 2, 4 और 6, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सेम एलिमेंट को कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, देन 4 से 4, 6 से 6, ठीक है। तो क्या बचा है यहाँ, 1, 3, 5, तो ये क्या फाइंड हो गया अपना, a माइनस बी, ठीक है। तो अपना a माइनस सी फाइंड हो चुका है और a माइनस बी फाइंड हो चुका है। अब अपन को क्या फाइंड करना है, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन रहते हैं वो किस में आती हैं, इंटरसेक्शन सेट में, ठीक है। तो अपन इंटरसेक्शन सेट a माइनस सी फर्स्ट हो गया जी, ये कौन सा हो गया, सेकंड, ठीक है, इंटरसेक्शन a माइनस बी। तो देखें दोनों में कोई भी एलिमेंट है जो अपन को कॉमन दिख रहा, क्या एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो इसका ओनली क्या बनाया जाता है, सेट, और सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, ठीक है। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। अब इसका एक और टॉपिक रह गया जो मैं आप लोगों के लास्ट क्लास में बताऊँ, ठीक है, थैंक यू।